যুব শক্তির উদ্যোগে এদিন খিদিপুরে এক বিরাট স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়, যাতে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র এবং আরবান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার ফিরহাদ আকিম এবং এমপি মালা রায়। সঙ্গে ছিলেন যুব শক্তির কনভেনার জনাব আহমেদ ওয়ারিস এবং শ্রী নন্দ কিশোর, চেয়ারম্যান শেখ সওকত আলী, বিকাশ ধনুক এবং বিক্রম ধনুক, সেক্রেটারি সুভাষ ধনুক এবং সানি ধনুক প্রমুখ। और एक विक्रम भाई, विकाश भाई, सुभाष भाई सब मिलकर दादा को एक मोमेंटो इधर गुड़ जाइएगा दे रहे हैं। मैं इसलिए बार बार यहाँ पर आता हूँ क्योंकि हमें इस जगह बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी यहाँ आते हैं देखते हैं एक तो भाईचारा के परिवेश यहाँ पर है, एक ही साथ कॉन्वेनर कौन है युवा शक्ति का, ना अमित वर्षी के साथ नंद किशोर धानू एक साथ में, और यही हमारे शक्ति है। हम एक साथ रहते हैं तो ये हमारे देश के लिए जोड़ बनता है। अगर हम फूट कर देते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, तो हमारा देश का जो एक है ये खत्म हो जाएगा, दूसरी बार ये देश टूट जाएगा। इसलिए हमारे भारत को अगर एक रखना है तो आज जो जात पात के बात करते हैं, आज जो धर्म के बात करते हैं, इसे अपना दुश्मन समझना चाहिए। ये हमारे लिए हित की बात नहीं है, क्योंकि हम पुरखों से एक साथ बड़े हुए हैं, एक साथ मिल के रहते हैं। हम जो इलाका में रहते हैं चितला इलाका, वहां पर सिर्फ एक छो मुसलमान का घर, वो है बॉबी हकीम के घर, और 40,000 वोट में सिर्फ 72 तो वोट मुसलमान का है, और बात पर कि कोई मुसलमान भाई नहीं, सब हिंदू भाई का वोट है। हमारा घर का दो चार गोश्त वाला दुनिया, ये दो चार छोड़ के और कोई नहीं, हम भी दुनिया है, ये भी दुनिया है, ये छोड़ के और किसी का नहीं है। मगर कलकत्ता का हर बार हम हाईएस्ट वोट से मौका लीड लेते हैं, क्योंकि वहां पर धर्म योगी को पूजा नहीं किया जाता, वहां पर कर्म जोगी का पूजा होता है, जो कर्म करता है उसी का पूजा होता है। इसलिए सारे चितला के आदमी एक बार नहीं, आज 20 साल से हमें हर समय रिकॉर्ड वोट, पहली बार 5,000, दूसरी बार 8,000, तीसरी बार 12,000, चौथी बार 14,000 वोट से हमें वहां पर लीड दिया गया। मैं आग्रह करता हूं, बहुत सारे आदमी यहां पर आते, कोई बाहुबली, कोई कुछ, मगर मुझे इलाका का उन्नयन छोड़ के किसी चीज में और कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इलाका के उन्नयन में हम किसी के साथ वापस नहीं करेंगे। बहुत आदमी ऐसा होता है, फिराद हकीम ने यह क्या उसे अटका देगा, हम बोलता है फिराद हकीम एक आधी है, उसके सामने अगर पड़ जाओगे तो उड़ के यहां से भाग। मैं शरीफ आदमी मगर बुजदिल नहीं, मैं 100% शरीफ आदमी जो हमें इज्जत से बात, मैं हर आदमी को इज्जत देता हूं, इज्जत से बात करता हूं, मगर अगर कोई आंख दिखाता है उसके आंख को निशान उठाना भी मैं, तो इसलिए सारी ऐसे बातें हैं जो मैं कहने पर आऊं
तो वो ख़त्म नहीं होगी। मैं दादा के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, दादा अपने आप में एक परिचय है, एक हमारे रोल मॉडल है कि दादा सचमुच हमारे खिदरपुर अंचल में हम लोगों के शान है, कि दादा सचमुच न जात है न धर्म है, सिर्फ एक बात है दादा हमेशा सिखाते हैं, ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, इंसान का औलाद हूँ, इंसान बनकर रहूँगा। मैं सचमुच दादा से बहुत प्रेरित होता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर आमूल परिवर्तन हो कलकाता हस्पतालगुलो तो देखी भीषण भावे ইনফ্রাস্ট্রাকচার বদল হয়েছে, ন্যায্য মূল্যের দোকান হয়েছে, সময় মতো পথ্য যাতে পাওয়া যায় তার জন্য সরাসরি ব্যবস্থা আছে, দেখার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী সময় মতো ভীষণভাবে নজরদারি করেন। কিন্তু যেটা বাজার থেকে কিনতে পাওয়া যায় না সেটা হচ্ছে ব্লাড, রক্ত। সেটা যদি আপনারা দিয়ে মানুষকে প্রাণে সাহায্য করতে পারেন, মানুষকে বাঁচাতে সাহায্য করতে পারেন, তার থেকে ভালো জিনিস কিছু হয় না। এনআরসি রুখছি, রুখবো এনআরসি, আমরা রুখে দেব। আমরা সমস্ত বাংলার মানুষ তৈরি আছি, সারা ভারতবর্ষের মানুষ তৈরি আছি, এনআরসি কেউ কোনো রাজ্যে হতে দেবে না, আমরা বাংলাতে তো হতেই দেব না, এবং যে কোনো মূল্যে এনআরসি আমরা রুখছি, এনআরসি আমরা রুখবো। কারণ মানুষ এখানে দীর্ঘদিন ধরে তারা পরিচয় নিয়ে বেঁচে আছে, মানুষ এখানে তারা সংসার ধর্ম পালন করছে, প্রতিবেশী দিয়ে পাড়া প্রতিবেশী আমরা সবাই এক, আমরা সব একই মায়ের সন্তান, একই মায়ের আশীর্বাদ ধন্য আমরা। সুতরাং এখানে কোনো বিভেদ করে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে এখানে আমরা রুখে দেব, কোনো বিভেদ হতে দেব না। ইউবা শক্তি সাল 2010 মে হমনে ইসকো শুরুয়াত কিয়া থা, আর 2010 সাল মে হম লোগোনে দেখা খিদিরপুর মে বহুত কম জগো মে রক্তদান শিবির আর লোগো কা জো মাইন্ডসেট হ্যায় ও ব্লাড ডোনেশন কে প্রতি এক নেগেটিভ থটস হ্যায়, আর হম লোগোনে জিস সময় প্রয়াস কিয়া কি হম লোগ इस कैंप को करेंगे और लोगों में जागरूकता लाएंगे, और युवा शक्ति एक नाम है, एक सोच है कि लोगों के अंदर जागरूकता लाए ताकि लोग रक्त देने का मतलब समझें, क्योंकि रक्तदान जो है वो दान नहीं, वो महादान हम लोग कहते हैं, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें का मोल है लेकिन जो हमारा रगों में जो दौड़ रहा है शरीर के अंदर में जिसका मोल नहीं है वो अनमोल है, और ये रक्तदान जो युवा शक्ति बोले या खिदिरपुर या बंगाल में एक वाहिद शहर बोल सकते हैं हम लोग कि यहीं पर सबसे ज़्यादा तादाद में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन खिदिरपुर में कुछ कम संख्या में हो रहा था। हम लोगों ने बस प्रयास किया है कि लोगों के अंदर जागरूकता लाएं, यूँ कि बहुत सारे लोग जो थैलेसीमिया के हैं जिनको हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी महीने में दो बार तीन बार उनको ब्लड का ज़रूरत पड़ता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग ब्लड देकर जो ब्लड पैसे से नहीं खरीद सकते हैं उनको हम लोग युवा शक्ति की तरफ से जो भी कुछ सहयोग कर पाए रक्त कार्ड के हिसाब से उनको ब्लड बैंक में भेज कर उनकी सहायता कर पाए, तो इसलिए हम लोगों ने ये कैंप शुरू किया है। और हमारे जो समाज के मयूरभंज रोड के जवान लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हमारे विधायक, हमारे इलाके के मंत्री जनाब फिराद हकीम साहब जो हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि ना रक्त हिंदू का है ना मुसलमान का, रक्त इंसान का है और इंसान के रगों में दौड़ता है और इंसान इंसान के काम आए, यही सबसे बड़ी सोच है। तो हम धन्यवाद देते हैं हमारे फिराद हकीम साहब का, आज हमारी श्रीमती माला राय साहिबा आई थी, उन्होंने भी एक रक्त के अच्छा संदेश, एक अच्छा मैसेज हम युवा शक्ति के लोगों के अंदर में दिया और मोहल्ले के लोगों के अंदर एक जागरूकता दी है। आने वाले दिनों में हम लोग प्रयास करेंगे कि और भी बढ़ चढ़ कर बड़े पैमाने पर इसको करें, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे साथ न्यूज़ इंडिया टीम जो हम लोगों के साथ इस कवरेज को कर रही है, मैं उनका भी धन्यवाद हूँ कि सुबह से देख रहे हैं हम लोग, वो लोग हम लोगों का इस कैंप में आकर सहयोग किए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार, मैं कहूँगा पहली बार हम लोगों ने मीडिया में एक अपना युवा शक्ति का जो भी है बात रख पाया हूँ, तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का, तमाम हमारे युवा साथियों का। देख रहे हैं आप शिविर में हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं कि शिविर के अंदर में, मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो बढ़कर आते हैं हमारे ब्लड डोनर लोग, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बगैर इनके युवा शक्ति कुछ भी नहीं है, एक लोग अगर हमारे साथ न जुड़े तो हम लोग कुछ भी नहीं है, क्योंकि रक्त डोनेट करना एक सोच है, एक विचार है जो लोगों के अंदर जागरूकता लाता है। धन्यवाद। ब्लड तो इंसान के जिस्म से ही जो है इंसान को मदद हो पाएगा, और ब्लड देने से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ब्लड देने से लोगों को कोई कमजोरी या फिर कोई बीमारी नहीं होता, बल्कि और भी फ़ायदा है लोगों का। ब्लड अगर जिस्म में जो है अगर आयरन बेसी हो जाता है तो वो जो आपका लीवर और आपका जिस्म में बहुत सारा कैंसर जैसे बीमारी को
पैदा कर सकता है, तो वो अगर ब्लड देंगे तो नया ब्लड सेल पैदा होगा। नया ब्लड पैदा होने से जिस्म में जो है लोगों को एनर्जी मिलता है और कहीं ना कहीं जो है हार्ट स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का जो है संभावना बहुत सारा कम जाता है। तो इसलिए लोगों को जो है, और आज के दिन में लोग बहुत अवेयर हैं। एक ज़माना था कि कभी लेडीज़ घर से नहीं निकल कर आती थी, मगर आज महिला भी जो है निकल कर आकर ब्लड देती हैं और लोग ब्लड देते हैं। और सबसे बेसी देखा जाता है कि पूरे पश्चिम बंगाल में जितना ब्लड डोनेशन कैंप होता है सारे भारतवर्ष में कहीं पर नहीं होता है। क्योंकि ब्लड कैंप अगर देखा जाए तो 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस वक्त में एक ब्लड डोनेशन कैंप हुआ जो कलकत्ता से ही शुरू हुआ, जो बंगाल से ही शुरू हुआ था। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप का जो चलन है, ये ब्लड डोनेशन कैंप बंगाल सबसे बेसी करता है और सबसे बेसी जो है कलकत्ता में ये ब्लड डोनेशन कैंप होता है। लोग आगे बढ़कर आके देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए हिजामा तो जो है ये माने समझ लीजिए कि ये आज नहीं बल्कि 1400 साल आगे का ये एक माने निकाला गया था। 1400 साल आगे जो है प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है हिजामा करवाया था, और हिजामा भी इंसान को कराना चाहिए क्योंकि हिजामा से होता क्या है, ब्लड का अलग, डोनेशन का अलग मामला है, मगर हिजामा का मामला ये है कि आपके पूरे जिस्म के ऊपर में जो है एक एक एकदम महीन सा बाल के जैसा महीन सा जो है एक ये रहता है, नस रहता है जिसके ऊपर में गंदा ब्लड जितना है वो जाकर जमता है। तो वो हिजामा कराने से क्या होता है कि वो ब्लड जो है वो गंदा ब्लड आपके जिस्म से जो है निकल जाता है। और युवा शक्ति हमेशा आवाम का खिदमत करता है और यहाँ इसमें वो हर ऐसी शख्सियतों को यहाँ बुलाया जाता है और बुलाकर उनको सम्मानित दिया जाता है। मेयर साहब इस प्रोग्राम में आज वो मेयर हुए हैं, जब से यहाँ पर वो पोर्ट डिवीज़न के विधायक हुए हैं तब से यहाँ पर वो युवा शक्ति के प्रोग्राम में आते हैं। सिर्फ युवा शक्ति नहीं बल्कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी अवाम का कोई प्रोग्राम होता है वो हमेशा अवाम का खिदमत करने आते हैं, और आज इसी तरीके से युवा शक्ति के प्रोग्राम के नौजवानों को आशीर्वाद करने आए हैं। खदरपुर के तमाम वो अवाम को हमेशा अपना आशीर्वाद करते हैं, कोई भी काम होता है वो हमेशा हम लोगों के साथ हैं। नहीं देखिए युवा शक्ति कमेटी साल के 365 दिन ही ये लोग सामाजिक कामों से जुड़े रहते हैं और ये इनका रूटीन प्रोग्राम है, हर साल ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। इसलिए कि आप लोगों को मालूम ही है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी जितना भी तरक्की कर जाए लेकिन अगर किसी इंसान को जान बचाने के लिए ब्लड की अगर ज़रूरत पड़ती है तो इंसान का ब्लड ही लगता है। इसलिए आज के इस दौर में हम समझते हैं कि इससे अच्छा बड़ा और नेक काम हो ही नहीं सकता है। आपके माध्यम से हम युवा शक्ति कमेटी के लोगों को और इस अंचल के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो लोग आज ये इतने बड़े पैमाने पे ब्लड डोनेशन कैंप का इनाकात किए हैं, और हम आशा करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी जिस तरह से ये लोग सामाजिक कामों से जुड़े हुए हैं आइंदा आने वाले दिनों में भी सामाजिक कामों से जुड़े रहेंगे। क्योंकि हम सबको पता है कि ब्लड देने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारे देश के जवानों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ब्लड किनने का पैसा नहीं रहता, लेकिन जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो ये ब्लड कार्ड के द्वारा उनको ब्लड का हम लोग इस्तेमाल करवा सकते हैं उनके परिवार के हेल्प के लिए। ये हम लोगों का 7वां साल सर है, लगभग हम लोग 6 साल कंप्लीट किए, ये 7वां साल है और हर साल हम लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, लोग में काफ़ी उत्साह रहता है कि वो लोग ब्लड देने के लिए। और युवा शक्ति के साथ हमेशा हमारे इस इलाके के मयूरभंज रोड के तमाम इलाके के लोग हमारे साथ रहते हैं। मेरा नाम सुभाष है और आप जानते हैं मैं युवा शक्ति का जनरल सेक्रेटरी है, मेरे बड़े भाई मैं विक्रम भाई ये लोग ने मेरे बड़े भाई ये प्रोग्राम को स्टार्ट किए हैं, और ये मेरे बड़े भाई विकास भाई और इन लोगों ने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अभी कुछ समय के अभाव के द्वारा इन लोगों ने ये प्रोग्राम को मुझे दिया करने के लिए, लेकिन पूरा अपना समय अभी भी हमारे साथ में है और युवा शक्ति कॉमेडी इनका ही बनाया हुआ है जो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। एक्चुअल में भैया ये ऐसा हुआ कि हम गए थे एक जन से ब्लड कार्ड मांगने, तो उन्होंने, मैं किसी कमेटी का नाम नहीं लूँगा, पर उन्होंने कहा कि आप हमारे डोनर नहीं हो, अगर आप डोनर का सर्टिफिकेट ला सकते हो तो दे मिलेगा या फिर आप किसी का रेफरेंस लेकर आइए। तो खैर कार्ड तो दूसरी जगह से अरेंज हो गया, फिर उसके बाद एक दिन हम और हमारे भाई विकास बैठे हुए थे तो बोले भाई ब्लड कैंप करना है,
तो भाई ने कहा ठीक है भाई, अगर तू करना चाहता है चल करेंगे, तभी हम लोग का स्टार्ट हुआ, यही था हम लोग का बोला। मतलब वो समय जो था इनका ब्लड का जरूरत था परिवार के लोग के लिए, और इनको इतना हैरेसमेंट करना पड़ा, तो इन्होंने सिद्धांत लिया कि हमें किसी से मांगना ना पड़े, अब हम खुद ब्लड डोनेशन करेंगे कि कार्ड हमारे पास से लोग ले जाए। और युवा शक्ति किसी से बोलता नहीं है कि आप डोनर है या नहीं है, जिसे जरूरत है उसकी मदद किया जाए। कैमरामैन आकाश के साथ मैं परवेज हाशिम, न्यूज़ टैग इंडिया।